Hey guys, assalamu alaikum, welcome back. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। यार आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लेबर लाइफ, मतलब इधर किस तरह लेबर के लिए कैंप बने होते हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कैंप है। तो जाएंगे आज, मैं जाके आपको इनका पूरा प्रॉपर एक टूर दूंगा। तो गाइज, अगर आप यंग जनरेशन हो, मेरे जैसे हो, तो आपके लिए एंड पे एक मैसेज होगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अभी अंदर। कैंप की कुछ बाहर से आउटलुक है और ये साथ आप देख सकते हैं एक दुकान बनी हुई है। तो आगे मैं जाता हूँ, जाके आपको अंदर दिखाता हूँ प्रॉपर कैंप। तो अभी ज़्यादातर जो है लोग अपनी ड्यूटियों पर चले गए हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह का टाइम है। तो ये कुछ इस तरह के ब्लॉक बने हुए हैं, पहले आपको जाके मैं ब्लॉक वगैरह दिखाता हूँ। ये मतलब इस तरफ भी रूम है और इस तरफ भी रूम है। तो खैर, ये कुछ इस तरह के बने हुए हैं ब्लॉक। और आगे तक मतलब इसी तरह ब्लॉक बने हुए हैं। तो अभी अंदर जाते हैं, जाके मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये कपड़े शपड़े धो के इधर ऊपर ही टांग देते हैं, हैंग कर देते हैं रस्सियों के साथ। तो खैर, ये नीचे रूम बने हुए हैं, इस तरफ रिहाइश है और इस तरफ भी रिहाइश है। तो आगे चलते हैं। ये जो आपको मशीनें नज़र आ रही हैं, ये मशीनों का ये चक्कर है कि इन मशीनों में एक दिरहम डाल दें, ये इधर, ये तकरीबन 20 मिनट का टाइम चल जाता है। इधर एक दिरहम डालते हैं तो फिर 20 मिनट ये चलती रहती हैं, ऑटोमेटिक ये कपड़ों को धोती हैं और उसके बाद ख़ुद खुश करके निकाल देती हैं। और इधर इसमें सर्फ डालना पड़ता है। ये हो गया। तो ठहरो, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह के इधर ये टॉयलेट एरिया है, मतलब इस तरफ टॉयलेट बने हुए हैं और ये कुछ इधर मुंह हाथ धोने के लिए जगह बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये ऊपर से भी, चलो मैं जाके आपको दिखाऊंगा ऊपर से किस तरह लुक नीचे दिखती है। तो खैर, ये आगे सामने आ गया किचन। किचन में आपको जाके, किचन में आपको लेके चलता हूँ। तो किचन कुछ इस तरह का दिखता है, ये इधर चूल्हे वगैरह लगे हुए हैं। तो खैर, अभी ज़्यादातर लोग अपनी ड्यूटी पर चले गए, शाम को इधर बहुत रश होती है। ये देख सकते हो आप, ये चूल्हे। और इस तरफ मैं आपको एक रूम दिखाऊं, तो ये इधर अंदर कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। ये इनमें मतलब जो भाई लोग इधर काम करते हैं, लेबर लोग, तो जो इधर आके रहते हैं उनका ये सामान पड़ा होता है, कुछ ऑयल वगैरह होता है, नमक मिर्ची, वो सारा कुछ इधर रखा होता है। और साथ में छोटी सी एक मस्जिद बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। चले, तो अभी किसी भाई साहब को बोलते हैं कि वो अपना रूम भी दिखा दे। तो गाइज, अभी ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं और इधर सीढ़ियों से अभी ऊपर जाते हैं। पहले इस तरफ चले जाते हैं। ये ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है नीचे, और ये चेक कर लो, एक और फ्लोर ऊपर चले जाते हैं। अभी इस तरफ चले जाते हैं, ये चेक करो यार, ये कुछ ऊपर से इस तरह दिखता है। ये कपड़े वगैरह धो के रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये सामने। ये वो ही सेम नीचे वाला किचन आ गया ऊपर। तो इधर खैर एक भाई खाना भी बना रहे हैं। गाइस, ये ऊपर भी सेम उसी तरह का ये टॉयलेट वाला सीन है, और साथ में ये वही मुंह हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए जगह। और अभी मैं टॉप फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो नीचे कुछ इस तरह दिखता है, आप देख सकते हैं। ये चेक कर लो भाई। अच्छा यार, वो जो अभी भाई साहब मिले थे, मैंने उनसे बात की है, तो वो बोल रहे थे मैं वीडियो में नहीं आना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा है कि मतलब आप काम क्या करते हैं, तो उसके बाद आपकी सैलरी वगैरह क्या है, तो उन्होंने बताया मैं एल्युमिनियम का काम करता हूँ और मतलब हेल्पर हूँ। तो सैलरी वगैरह उन्होंने बताया कि मेरी 1200 है, तो 1200 में से खाना पीना अपना है, तो मतलब मंथली जो है खाने पीने का तकरीबन 500 रुपया लग जाता है, 300 खाने का लग जाता है, 100 रुपया वो उसका लग जाता है, मोबाइल डेटा का हो गया, वाईफाई का हो गया। और 100 दिन बंदा मार्केट जाता है, कुछ ले लेता है, खा लेता है, साथ में कोई दोस्त यार होते हैं, तो 500 मतलब नॉर्मली लग जाता है। तो खैर, उन्हें मैंने बोला कि, उन्होंने बोला यार मैं
वीडियो में नहीं आ सकता हूँ, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो उनसे मैंने पूछे, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो अभी चलते हैं नीचे, मैं जाके कोई कोशिश करूँगा आपको कोई रूम वगैरह जाके दिखा सकूँ। खैर अभी एक रूम मिला है, मैं आपको अभी रूम का टूर देता हूँ। तो ये आ गया यार रूम। तो इस तरह के रूम होते हैं, ये देख लो, मतलब डबल बेड लगा हुआ है, एक बेड नीचे एक इसके ऊपर। तो इसी तरह ये तीन बेड लगे हुए हैं, तो छः बंदे आराम से रह सकते हैं एक रूम में। तो ये रूम आप इस तरह देख सकते हैं, कुछ इस तरह की रिहाइश होती है, और इस तरफ फ्रिज है, और इस तरफ कुछ पानी वगैरह रखा हुआ है, और ये भी आप चेक कर लें। तो अभी आपने देख लिया कुछ इस तरह का रूम वगैरह इधर होते हैं। तो खैर अभी चलते हैं बाहर। तो ये आ गई गाइस पीछे इसकी कैम की बैक साइड आ गई है। और खैर अभी आपको मैंने ओवरऑल तकरीबन टूर दे ही दिया है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं बाहर। तो बाहर जाके मैं आपको एक यंग जनरेशन को एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ज़रूर सुनिएगा। तो अभी चलते हैं बाहर। और इधर आप चेक कर लो यार, ये साइकिलें वगैरह रखी हुई हैं। तो ये मतलब भाई साहब अभी कामों पर गए हुए हैं अपने अपने, तो वापसी पे कहीं जाना होता है साइकिल निकाल लेते हैं। वैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगी है, जो सीधी बात है इधर। तो अगर कहीं नज़दीक पर जाना हो तो ये अक्सर साइकिल पे चले जाते हैं। वो उधर सामने भी आप देख सकते हैं साइकिलें पड़ी हुई हैं। फाइनली गाइस अभी वो मैसेज आ गया जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा था आपको, यंग जनरेशन के लिए मेरे पास एक मैसेज है। तो यार वो ये मैसेज है कि इधर आपको मैंने दिखाया, जैसे एक भाई साहब से मैंने पूछा है उसकी सैलरी क्या है, मतलब हेल्पर है, तो वो बोल रहा था 1200 मेरी सैलरी है, तो इसमें से खाना पीना अपना, और 9-10 घंटे ड्यूटी बन जाती है, और 1-2 घंटा ट्रैवलिंग पे लग जाता है, 12 घंटे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर रूम में आते हैं, रूम में आके खाना वगैरह खुद बनाना होता है, कपड़े वगैरह खुद धोने होते हैं, उसमें आप देख लें यार कितना बचता है। और सीधा सीधा 1200 में से 500 तो आपका महीने का खर्च हो जाता है, तकरीबन 300 जो है वो खाने पीने पे लग जाता है, उसके बाद 100 सीधा सीधा कर ले मोबाइल डेटा हो गया, वाईफाई हो गया, उस पर लग जाएगा। और 100 दिरहम बंदा मार्केट में जाता है कहीं कुछ ले लेता है दोस्तों के साथ में, तो 100 दिरहम उधर भी लग जाएगा। तो पीछे 1200 में से 500 निकालो तो पीछे 700 रह गया। और अगर आप घूमने फिरने वाले हो, कहीं आपने छुट्टी वाले दिन आगे बुर्ज खलीफा वाली तरफ जाना हुआ या कहीं और जाना हुआ, तो उसका फिर आप 700 में से निकालें तो पीछे क्या बचेगा आपको। तो मेरा आपको सबको यही मशवरा है यार, अगर आपने दुबई आना है या किसी भी मतलब कंट्री में बाहर आना है, तो कोशिश करिएगा कोई ना कोई स्किल सीख के आइएगा, क्योंकि स्किल आपके पास कोई ना कोई होगी तो आपकी सैलरी अच्छी लगेगी, 2000, 2500, 3000, 4000, मतलब इस तरह सैलरी लगेगी। तो उसमें से आपको पैसे भी मतलब अच्छे खासे बच जाएंगे, खैर मतलब किसी स्किल के बगैर, किसी हुनर के बगैर इधर मत आइएगा। इतने तो मतलब ये 1200 में से 500 मतलब निकालो 700, तो इतने अगर आप मेहनत करो तो अपने मुल्क में भी कमा सकते हो। तो आगे आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आप चाहें। तो खैर आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, और आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। कोई दुबई आना चाहता है मतलब लेबर के वीज़े पे, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।